जी दीपांशु, गुड आफ्टरनून। आज एक तो श्री सीमेंट हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी स्पेस में नंबर्स जारी करेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील नतीजों के साथ इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक भी कर रहा है। वायदा बाजार में यूनाइटेड स्पिरिट्स, डॉक्टर लाल पैथलैब, कॉनकॉर के नंबर्स पर फोकस है। अनुमानित समय बाजार बंद होने के बाद इन कंपनियों के आने का है। इसके अलावा फुटसी ग्लोबल इंडेक्स में बदलाव की घोषणा आज होगी। 18 जून से ये बदलाव जो है वो लागू होते हुए दिखेंगे। कल नतीजे हमारा राजा बैटरीज के वायदा बाजार में आएंगे। कुछ कैश की कंपनियां भी हैं जिनके नंबर्स पर फोकस रहेगा, जैसे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीएक्स, अंबर एंटरप्राइजेस। सोमवार के दिन ग्रासिम निफ्टी स्पेस में अपने नतीजे पेश करेंगे। वायदा बाजार में रैमको सीमेंट और एमजीएल के नतीजों का इंतजार होगा। इस दिन ट्रिगर्स अरविंद फैशन पर ध्यान रखिए, 65 रुपए प्रति शेयर के पार्टली पेड शेयर की किश्त भरने की आखिरी तारीख है ये। वही केनामेटल इंडिया 20 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है, 25 मई इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। लक्ष्मी मशीन वर्क्स डिविडेंड को लेकर 24 मई यानी सोमवार के दिन एक बोर्ड मीट करेंगे। और करडा कंस्ट्रक्शंस नतीजों के साथ शेयर विभाजन पर एक बोर्ड मीट होने जा रही है। ओके, तो अभी भी ढेरों नतीजे आना बाकी हैं, पर कुछ अहम ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए, वरुण भी हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, बताएं एसबीआई के नतीजे कैसे रहे हैं, बाकी जो कुछ नतीजे आए दिन में वो भी कैसे रहे हैं, और बाकी खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? डेफिनेटली सबसे पहले आपने एसबीआई की बात की, तो एसबीआई के नतीजे नो डाउट हमारे अनुमान से थोड़े चूके हैं। मुनाफा 6,450 करोड़ का है, 6,840 करोड़ के आसपास का अनुमान था, लेकिन इंटरनल जो है इसके फिर भी थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं, क्योंकि ग्रॉस इनकेस देखे 5.44% से घटकर 4.98% पे आया है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो नंबर्स ठीक ठाक है, और एनआईएम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है इस कंपनी को। इसके अलावा 4 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है, तो इंटरनल फिर भी ठीक ठाक लग रहे हैं। नो डाउट ऑन द फेस ऑफ इट हमारे अनुमान से थोड़े कम है, लेकिन फिर भी मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अगली बात करते हैं धानुका एग्री की। यहाँ पे नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, रेवेन्यूज अच्छे खासे बढ़े हैं, 227 करोड़ से बढ़कर 275 करोड़, एबिटा में बढ़ोतरी हुई है, मार्जिन देखिए 20% से बढ़कर 23.5%, मुनाफा 39 करोड़ से बढ़कर करीब 49 करोड़ के आसपास आया है। रानी मद्रास घाटा कंपनी का कम हुआ है, हालांकि घाटा अभी भी कर रही है कंपनी। कंसोलिडेटेड घाटा जो है 17 करोड़ से घटकर 15 करोड़ का आया है। आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 286 करोड़ से बढ़कर 412 करोड़, मार्जिन दुगने हो चुके हैं 1% से बढ़कर 2.1 करोड़, लेकिन अभी भी कंपनी घाटा कर ही रही है। अब बीपी शेयर के लिए खबर है कि इस कंपनी का जो विनिवेश है वो जुलाई अंत तक हो सकता है, जुलाई अंत तक बोलियां मंगाई जा सकती है, कहीं ना कहीं ये खबर निकल के आई है। सरकार ने वर्चुअल डेटा रूम जो है वो कहीं ना कहीं बिडर्स को दिखाया है, तो इसकी जो प्रक्रिया है अब और तेजी पकड़ रही है। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन, कॉनकॉर, बीएमएल जो है इनके लिए भी विनिवेश के ऊपर खबर आई है कि जो विनिवेश की प्रक्रिया है यहाँ भी तेज हो चुकी है। कल कैबिनेट सचिव ने विनिवेश पर समीक्षा बैठक की, और दीपम और संबंधित मंत्रालय जो है उनको दिक्कतें दूर करने को कहा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट है या डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स है वो जल्द पूरे होते हुए आएंगे, उनकी जो प्रक्रिया है वो काफी हद तक तेज हो चुकी है। एसबीआई के लिए और एक खबर है कि इस कंपनी का जो इंटरनेट है, योनो बैंकिंग जो है वो कल कुछ घंटे तक बंद रहने वाला है। एक्चुअली वो सैटरडे और संडे यानी कि शुक्रवार और शनिवार को कुछ घंटों के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा एक और न्यूज है वो ये है कि गोवा में कोरोना का जो कर्फ्यू है उसको बढ़ा दिया गया है 31 मई तक। और यस बैंक के लिए खबर है कि 1 करोड़ 35 लाख शेयर्स के इस कंपनी में काफी बड़े सौदे हुए।